नगर प्रखंड की गुदगुदी पंचायत के हरिहरपुर गांव में एक निर्माणाधीन पुलिया की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए रविवार को यहां के ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने मिलकर प्रदर्शन करते हुए काम भी रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि निर्माण मानकों की धज्जियां उड़ाकर उक्त पुलिया का निर्माण मुखिया नसीब अख्तर द्वारा चल रहा है। लोगों ने बताया कि पुलिया काफी कमजोर बनाई जा रही है, इससे पुलिया समय से पहले ध्वस्त होने का खतरा है। लोगों का कहना था कि पुरानी पुलिया में ईंट मिलाकर इस पुलिया में लगाया गया, निर्माण में इसकी मजबूती का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। नतीजा पुलिया की गुणवत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यदि इसके निर्माण में गुणवत्ता नहीं रही गई तो इससे ही निर्माण कार्य बाधित रहेगा। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया पुलिया के निर्माण काफी तेज गति से कराकर राशि उठाकर बंदरबांट करने में जुटे हैं, बावजूद विभाग की तरफ से इसकी गुणवत्ता को लेकर चौकसी भी नहीं की गई। समस्या यही है, सबसे पहली समस्या है कि जो हरिहरपुर ग्राम है, इस यहाँ पे एक पैन है, इस पैन में पैन का नाम संतपुर है, जहाँ पे एक पुल बनाया जा रहा है। हमारे गुदगुदी पंचायत के नसीम अख्तर मुखिया के द्वारा यह एस्टिमेट है, और जो भी ठेकेदार यहाँ पे रह के काम करा रहे हैं उनसे हम लोग बोले कि हाँ, जो एस्टिमेट आपके पास है कि नहीं, उस एस्टिमेट को आप दिखलाइए। लेकिन वह बोल रहे हैं कि हम लोग के पास कोई एस्टिमेट यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, आप लोग अपने मनमानी से लोग काम एकदम करते हैं। और हम लोग का यही विशेष मांग है कि हमारे पंचायत में जो भी काम किया जा रहा है एकदम अच्छे से होनी चाहिए, सही पूर्ण वर्ग काम होना चाहिए। हम लोग का यही विशेष मांग है कि बस इन लोग बस काली बाजारी काम है, बस यही काम करते हैं कि कुछ काम इधर से कुछ काम उधर से, कोई काम हमारे पंचायत में पूर्ण रूप से नहीं होता है। हमारा नाम होगा प्रमोद कुमार ठाकुर, ग्राम संतपुर गुदगुदी पंचायत। पंचायत राज गुदगुदी के हरिहरपुर गांव का ये जो पुल बन रहा है, ये छनेमर वार्ड का हरिहरपुर से बुलवाओं के बीच का जो ये संतपुरैया पॉइंट है, यहीं का ये पुल है। इसमें का जो भी ईंट लग रहा है वो दोनों में ईंट रहा है, क्योंकि उसको मतलब इजीली टूट जा रहा है ऐसे कुछ। और जो यहाँ पे छड़ी रखा हुआ है, जो बालू है, ये सब डुप्लीकेट है, उसमें मिक्स आ रहे हैं छोटे और बड़े पत्थर ऐसे करके। और यहाँ पे नीचे जो बेसमेंट इसका बना है उसमें ना ही एक भी छड़ है, ना ही उसका जो ईंट है वो सही वाला है, वो सब मतलब डुप्लीकेट वो भी है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि यहाँ पे जो भी बन रहा है उसका सबसे पहले डाटा जो होती है एस्टिमेट डाटा वो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये पता चल जाएगा ना कि इसका लेंथ क्या है, जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे शायद रहता है ना कि 9x6 का ऐसे बनाना है मटेरियल, तो ऐसा कोई डाटा भी नहीं है, तो हमें डाटा चाहिए। किनके द्वारा ये काम किया? ये ना शायद यहाँ के जो मुखिया हैं गुदगुदी पंचायत के, इन्हीं के द्वारा ये काम हो रहा है। क्या नाम है? नसीम अख्तर। आपका नाम? मेरा विकास नाम है और हरिहरपुर घर है। दो नंबर ईंट लग रहा है, और यहाँ पूछने पर जो काम कर रहे हैं उसे पूछा जाता है एस्टिमेट से कहाँ दिखलाइए, तो बोल रहे हैं एस्टिमेट यहाँ नहीं है। अब एस्टिमेट मुखिया के पास हमको दिए नहीं है कि हम लोग आप लोग उसे दिखलाएं, और जो भी काम हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। लोगों लगा हुआ है जितना जल्दी पुल बना लें और इसका पैसा का बंदरबांट कर लिया जाए। किनके द्वारा पुल का निर्माण? मुखिया नसीम अख्तर द्वारा किया जा रहा है। आपकी क्या मांग है? हमारा मांग यही है जो भी काम हो अच्छा काम हो, जो कि कुछ दिन चले। सुभाष राव, हरिहरपुर। समस्या ये बा कि जौन हरिहरपुर गांव में जाए वाला मेन सड़क बा में संतपुर पॉइंट में पुल बनता, उ पुल में जन बात उनकी 2 नंबर ईंटा लगा था। ये लोग केहू तरह से ना एस्टिमेट दिखावतलो, ना कुछ करतलो, ओकरा लाओ ना बोर्ड लगावतलो, आ ना ओकरा बाद से ये लोग बस ये चाहतलो कि हड़बड़ तड़बड़ काम कर के हमने के अपन पैसा के जन बात बंदर बाट कर लहल लाओ। कौन काम करा रहा है? पुल जन ये पुल बनता। कौन किस काम काम ही शायद मुखिया जी के द्वारा हो रहा है काम ही। क्या नाम मुखिया? नसीम अख्तर। और क्या समस्या है? समस्या बस ये बस पुल संबंधी सब समस्या है मेरा, यानी ईंटा से लेके छड़ी तक, छड़ी से लेके बालू तक, और नीचे जो ढाला गया है उसमें पुराना ईंटा लगा है, 2 नंबर ईंटा लगा हुआ है, नीचे उसमें छड़ नहीं लगाया गया है। ये काम आज के लिए, ये काम सिर्फ आज के लिए नहीं ना है, ये काम हर हमेशा के लिए है। आपका नाम? हमारा नाम सचिन सिंह हुआ, हरिहरपुर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।